अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन भाई केपी ठाकुर कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 240 हिंदी टू इंग्लिश पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेज सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में कॉन्टैक्ट करें। तो आइए करते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पैसेज 156 ऑफ 240। सबसे पहले इस पैसेज को आप देख लीजिए, बहुत छोटा पैसेज है। वीडियो को आगे पीछे करके पॉज करके आप एक कॉपी में पहले इस पैसेज को खुद से सॉल्व करिएगा। अभी संग संग मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा तो उसको मिलाते जाइए, ठीक है। एक पेड़ पर एक कौवा था। ओके, देयर वॉज अ क्रो ऑन अ ट्री। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। ही हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ। पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। अ फॉक्स केम अंडर द ट्री। कौए के मुंह में रोटी देखकर वह ललच गई। सीइंग द ब्रेड इन द क्रोज माउथ, ही गॉट टेम्प्टेड। उसने कौए की झूठी प्रशंसा की। ही प्रेज्ड द क्रो यहाँ पे फीमेल है क्योंकि कौए के मुंह में रोटी देखकर वह ललच गई था। उसने कौए की बहुत झूठी प्रशंसा की। शी प्रेज द क्रो फॉल्सली। कौवा अपनी बड़ाई सुनकर बहुत खुश हुआ। वह काँव काँव करने लगा। द क्रो वॉज वेरी हैप्पी टू हियर हर प्रेज। स्टार्टेड कॉइन। झूठी प्रशंसा धोखा देती। फॉल्स प्रेज डिसी। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ था हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन। जो भी शॉर्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ ही साथ अपने कॉपी में जो आंसर बनाए उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं पढ़ता हूँ कि किस तरह का सेंटेंसेस आप लोग बना। आइए देखते हैं वोकैबुलरी हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 156 ऑफ 240। वोकैबुलरी पेड़ ट्री कौवा क्रो मुंह माउथ रोटी ब्रेड टुकड़ा नीचे अंडर लोमड़ी फॉक्स कौए के मुंह द क्रोज माउथ ललच टेम्प्ट झूठी फॉल्स प्रशंसा प्रेज बहुत वेरी खुश हैप्पी काँव काँव कौ धोखा डिसीव।